प्यारे बच्चों, तो सारे किवें हो? उम्मीद है तो सारे ठीक होवोंगे। अते नोवल कोरोना वायरस नु ध्यान विच रखदे होए अपनी सेहत, खान पीन अते साफ सफाई का ख्याल रखदे होंगे, क्योंकि यही इसका बचाव है। अज दे इस रिवीजन सैक्शन च आपां पाठ एक करना है, जिसका नाम है भारत इक जान पछाण। इस विच आपां दो प्रश्न रिवाइज करांगे। पहला प्रश्न है, जदों अरुणाचल प्रदेश विच अजे सूरज निकल ही रहा हुंदा है तां गुजरात विच अजे रात ही हुंदी है, व्याख्या करो। इसका अर्थ होया कि साढ़े अपने देश विच एक पासे दिन अते दूजे पासे रात हुंदी है, कि यह संभव है? क्योंकि ऐदां तां बाहरले मुल्क अते अपने देश विच जदों आपां अंतर करिए दिन रात दा, तां साढ़े देश विच जिदां कि उदाहरण लै लो, अमेरिका विच जदों रात होएगी तां साढ़े देश विच की दिन होएगा। ते हुण आओ इस दे पिछे की कारण है उसकी आपां पड़ताल करिए। तो जो आप उत्तर लिखते हैं उस विच की आंदा है कि अरुणाचल प्रदेश तो गुजरात तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। इसका अर्थ की होया कि साडा देश बहुत विशाल है। इसके नाल ही अरुणाचल प्रदेश तो लैके गुजरात विचकार स्थित रन ऑफ कच्छ दे दरम्यान 29 डिग्री 18 मिनट का देशांतरी फर्क है, और हर एक देशांतर रेखा विच 4 मिनट का फर्क है। दोहां थावां दे समें विच 2 घंटे का फर्क पै जांदा है। ये उत्तर विच बेटा तुहाडे माइंड विच एक बहुत सारे सवाल उठते होणगे वी 29 डिग्री ते 18 मिनट कित्थों आए, इसी तरह ही कि 4 मिनट का फर्क की है अते 2 घंटे का फर्क किवें पै जांदा है। ते आओ इन्हां सारे सवालों के जवाब वास्ते आप एक वीडियो तो शुरू कर रहे हैं। ये है एक पिंड डोंग। जदों सारे बाकी देश के लोग बहुत गहरी नींद सुते होंगे आ, उस समय इस पिंड के लोग अपना ताजी हवा में काम कर रहे होंगे। तो डोंग पिंड है, यही वो पिंड है जिसनों सूरज दियां पहलियां किरणां छूण दा मान प्राप्त है। ये पिंड है जिस विच 50 तो 60 लोग ही रहिंदे आ। ये पिंड लोहित रिवर के किनारे ते वसिया होया है, और ये पिंड की लोकेशन इस तरह की है जो एक ट्राई जंक्शन बनाता है, जिसका अर्थ की होया कि इस देश नू तीन देशां इस पिंड नू तीन देशां दी सरहद मिलदी है, जिवें कि इंडिया, चाइना एंड म्यांमार। और इस विच एक गर्म चश्मा भी वहिंदा है गर्म पानी का, जो कि ज्वालामुखी क्रियावां करके हुंदा है। ते आओ हुण आपां इस दोनों वीडियो नू एक नक्शे राही समझदे हां। ते हाँ, इस तो पहले आप एक रन ऑफ कच्छ एक होर पिंड है उसके बारे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। ये वो जगह है जिथे अक्सर जमीन बंजर रहती है और इसका पानी जो है खारा होता है, और इतने गुजरात के तटवर्ती जिला है बहुत वड्डा कच्छ, जिथे गुहार मोती सरहद का अखीरला एक पिंड है। आप इसमें उन्हें करते हैं, तो आ देखो बेटा ये कच्छ जिला है गुजरात का बहुत वड्डा, और ये तटवर्ती मतलब कि अरब सागर के बिल्कुल किनारे ते है, और इतों का जो अखीरला पिंड है वह है गुहार मोती। ये गुहार मोती सब तो अखीरला पिंड है, जो कि देशांतर रेखा की सी गुजरात की, याद है बेटा तुहानू की दसी सी देशांतर रेखा गुजरात दी, ये सी 60 डिग्री 7 मिनट। ते चलो आप इस तो अगे वधदे आ। इस पिंड विच जदों मानसून आंदा है, बरसात का समा आंदा है, ते बंजर जमीन है एक द्वीप विच बदल जाती है, पर जिवें जिवें इसका टेंपरेचर 48 डिग्री तो उपर तापमान वध जाता है, तो उस समय इत्थे पानी की घाट होनी शुरू हो जाती है, और जो जीव जंतु है उन्होंने भी बड़ी परेशानी आती है, जिवें कि इत्थे की है काफ़ी नेरियां तूर परियां नेरियां चलदियां है, जमीन भी बंजर हो जाती है वापस, और इसकी जो मिट्टी है वह भी नमकीन हो जाती है, और इस समय इत्थे जो जीव जंतु है बहुत घट ही जीवित रहते हैं। ते हुण आपां दोनों ही वीडियो वेख लिया है, आपां डोंग पिंड दी अरुणाचल प्रदेश जो है उसकी भी वेख ली, और हुण आपां रन ऑफ कच्छ जो गुजरात विच है दोनों ही पिंडां दी आपां वीडियो देखिए, तो इसनों आपां एक नक्शे राहीं समझांगे। ते बेटा ये नक्शा है भारत देश का स्थानिक विस्तार। ते इस विच देखो बेटा,
अरुणाचल प्रदेश डोंग तो गुजरात गुहार मोती तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। ते आ देखो बेटा इथे डोंग पेंड सी ये है अरुणाचल प्रदेश और इसकी देशांतर रेखा किन्नी है 97 डिग्री 25 मिनट पूरब डोंग पेंड है। इसे तरह ही पर बेटा इतने जो डोंग पेंड है ना वो बहुत हाइट ते होने करके क्योंकि इतना जो एरिया है सारा ही पहाड़ी इलाका है और जो ये पेंड है ये हाइट ते है काफी जिस कारण इतने सब तो पहला सूर्य दी किरणा पैदा ने पर जो सरहदी इलाके का सब तो अखीरला पिंड है जिथों ये दूरी अपनी नापी गई है वो की है केड़ा पिंड है वो किबीथू पिंड है। और किबीथू पिंड तो लैके आप गुजरात की देशांतर रेखा की है 68 डिग्री 7 मिनट इसका अखीरला पिंड किसी गुहार मोती इन गुहा किबीथू पिंड तो लैके गुहार मोती तक का जो डिस्टेंस है वो किन्ना है 2933 किलोमीटर है। उस तो बाद अरुणाचल प्रदेश तो लैके गुजरात विचकार स्थित रन ऑफ कच्छ दे दरम्यान 29 डिग्री दा देशांतरी फर्क है। कहने का मतलब की है कि आज जो 97 डिग्री 25 मिंट की गल कर रहे ना आप आ देखो 97 डिग्री 25 मिनट पूरब और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब नो जो आपस च घटाया तो इसकी दूरी किन्नी मिली सानू 29 डिग्री 18 मिनट पूरब। इस स्लाइड विच दो प्रश्न उठते हैं अपने। पहला प्रश्न ये है कि देशांतरी फर्क की है आज 29 डिग्री 18 मिनट का निकला है और दूसरा ये है कि पूरब क्यों लिखा गया है तीनों विच ही 97 डिग्री 25 मिनट पूरब 68 डिग्री 7 मिनट पूरब तो फिर इन्हों जो घटा के फाल दूरी निकली 29 डिग्री 18 मिनट पूरब तो इस विच तिना च पूरब क्यों लिखा ये दो प्रश्न आप नैक्सट स्लाइड में मैं तुम दसदी हाँ। ते आ देखो बेटा ये अक्षांश देशांतरी रेखावां है और की हुंदी है ये आप इस विच देखते हैं। इस विच बेटा देखो आ जो इधर लेटिया हुई लाइना तुहानू दिख रही ने इन्हां नू आपां की कहने हैं ये लेटिया हुई लाइना नू आपां कहने हैं लैटीट्यूड अंग्रेजी विच और पंजाब विच की है अक्षांश रेखा। इसी तरह जो आ खड़वियां रेखा दिख रही है तुहानू एदा ये केड़ियां रेखा ने इसनों आपां की कहांगे लोंगीट्यूड। आ देखो देशांतरी रेखा और ये है कल्पित रेखावां हुंदियां हन। कल्पित रेखावां दा अर्थ की हुंदा है वो रेखा जो कि असी कल्पना द्वारा बनाई है ये धरती ते नहीं बनिया हुई जो धरती का मॉडल ग्लोब है उसके उपर ये दोनों रेखावां बनाई गई अक्षांश रेखा ते देशांतर रेखा जो किस विच मदद कर दिया है किसी भी प्लेस दी सही सही लोकेशन लभन वास्ते सानू ये मदद कर दी है जिवें कि आपां फोन ते किसी भी जगह नू जदों लभना हुंदा है तां आपां GPS ऑन करदे हां और आपां नू ईजीली लोकेशन मिल जांदियां ने। ते हुण इस विच आपां दूसरा प्रश्न गल कीती सीगी 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट -68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट इक्वल्स टू 29 डिग्री 18 मिनट ईस्ट। इस वास्ते आपां की करना है इस विच दो लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूरे दे पूरी धरती नू दो बराबर हिस्सों च वंडदी है। सब तो पहली लाइन है भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा तुहानू पता है कि धरती नू दो हिस्सों च बराबर हिस्सों च वंडदी है उत्तरी गोलार्ध ते दक्षिणी गोलार्ध। इसे तरह ही एक रेखा है ग्रीनविच। ये ग्रीनविच रेखा इत्थे इंग्लैंड विच एक ग्रीनविच जगह है जिथों दी लंघदी है और यह पूर्वी गोलार्ध ते पछमी गोलार्ध नू आपस च वंडदी है। हुण इहदे विच इंपोर्टेंट गल की है जदों इह आपां ग्रीनविच तो जिन्नियां भी लाइनां आ जिहड़ियां देशांतर रेखा ने जिन्नियां भी पूर्वी हिस्से च ने उन्हां सारियां नू असीं पूर्वी देशांतर आखदे हां। हुण इहदे विच इंपोर्टेंट गल की है आ साडा भारत है देखो एदां ठीक है और इस दी देशांतर रेखा जो अरुणाचल प्रदेश है विच है वो केड़ी है 97 डिग्री 25 मिनट। आ देखो 90 लिखा सी इत्थे ते दा मतलब 97 डिग्री थोड़ा जा अगे जाइए तो 25 मिनट इधर बन जाते हैं और इधर गुजरात वाले साइड च किन्नी है 68 डिग्री
7 मिनट पूरब अपन लिखते हैं, क्योंकि ए जो दोनों ही दिशांतर रेखा ने ए साथ दोनों दिशांतर पूर्वी हिस्से चाहती है ग्रीनविच, तो इस करके आप इस विच की लिखते हैं पूर्वी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 60 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 29 डिग्री 18 मिनट जो उन्होंने घटा के फासला दूरी मिलती है अपन, वो फर्क 29 डिग्री 18 मिनट पूर्व, इसीलिए आप तिना च पूर्व लिखे क्योंकि ग्रीनविच तो जिन्नी भी दिशांतर रेखा वो पूर्वी हिस्से च आएंगी वो सारिया ही पूर्वी दिशांतर है। जो आप धरती से कोई जगह किसी की भी दिशा देखनी होंगी तो उदो आप ग्रीनविच के भूमध रेखा ध्यान में रखते हैं, पर जो आप कले भारत की जगह देखनी होंगी ना उदो आप इस कह दें ये पूर्वी हिस्सा हो गया, ये पश्चिमी हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। चलो हम आप नेक्स्ट स्लाइड से चलते हैं। इस विच आप अक्षांश रेखावां बारे जानकारी प्राप्त करांगे कि भूमध रेखा के उत्तर अते दक्षिण दिशा विच एक एक डिग्री के फासले नाल 90-90 अक्षांश रेखावां हुंदियां हैं। इसका अर्थ की होया कि आ साडी भूमध रेखा है और इत्थे लिखा है एक एक डिग्री का फासला, उसका मतलब यह होया कि आ 0 डिग्री है, 0 तो जदों आप अगे जावांगे 1 डिग्री आऊगी, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इस तरह करते करते इतने जो है 90 अक्षांश बन जाएंगे। 90 मतलब 90 अक्षांश लाइना बनेंगे। इस तरह ही आप दक्षिणी हिस्से विच भी जो 0 तो 1 2 3 4 इस तरह करते हुए 90 अक्षांश बनावांगे और ये भी कितने बन जाएंगे 90 अक्षांश। हुण अगे कह रहे हैं कि भूमध रेखा समेत अक्षांश रेखावां की कुल गिनती 181 बनती है। कहने का मतलब कि आ 90 अक्षांश रेखावां इहदे विच आपां दक्षिणी हिस्से दीआं वी 90 अक्षांश रेखावां जोड़ लिया, नाल एक भूमध रेखा जोड़ ली, तो टोटल किन्नियां बन गईआं इह 181। उस तों बाद सारी अक्षांश रेखावां एक दूसरे के समांतर हुंदियां। इसका अर्थ की होया कि भूमध रेखा से जिन्नियां भी रेखावां बनाईआं जाणगीआं वो सारियां समांतर होणगीआं। समांतर मतलब हुंदा है पैरलर, यानी कि आपस च किते भी नहीं जुड़न वालीआं। उस बाद दो अक्षांश दे विचकार दी दूरी 111 किलोमीटर हुंदी है। आज जो आपां गल कीती सी ना 0 तो 1 जाओ 2 3 करदे दा 90 अक्षांश रेखावां बणनगीआं, इसका मतलब यह है तुहानूं मैं एक ड्रॉ करके दे दिंदी इत्थे। जिवें कि आ देखो इस नूं आपां एक 0 डिग्री मान लिया, एक अक्षांश रेखा होर बना ली उहनूं आपां 1 डिग्री मान लिया, ये धरती के आले दुआले की मैं रेखा बनाई है, ये सिर्फ सामने की है। तो जो कोई व्यक्ति 0 तो 1 डिग्री तक जाऊगा तो उसनों कितना फासला तय करना पूगा 111 किलोमीटर का फासला तय करना पूगा। उस बाद भूमध रेखा तो ज्यो ज्यो उत्तर जा दक्षिण ध्रुव वाल जाते अक्षांश का आकार छोटा हो जाता है, 90 डिग्री से यह एक बिंदु रह जाता है। कहने का भाव की है कि जो 0 डिग्री तो नीचे जिस तरह अक्षांश रेखावां जांदियां जाणगीआं इन्हां दा आकार छोटा हुंदा जाऊगा और जो अखीर ते आएगी इस ते दक्षिणी ध्रुव ते तो यह एक बिंदु ही रह जाऊगी अखीरली अक्षांश रेखा, इसी तरह उत्तरी ध्रुव ते भी एक बिंदु ही रह जाएगी। चलो आप नैक्सट स्लाइड देखते हैं। यह ने दिशांतर रेखावां भूमध मुख मध्यान रेखा 0 डिग्री दिशांतर हुंदी है, सारी धरती उत्ते कुल 360 दिशांतर हुंदे हन। ते आप बेटा आप पहला भी किया सी आ जिहड़ी विचाले लाइन है इसनों आप की कहने ग्रीनविच रेखा और इसनों 0 डिग्री दिशांतर भी आखते हैं। 0 डिग्री के पूर्वी हिस्से विच जिवें जिवें आप जाते जावांगे 0 तो 1 2 3 4 5 इस तरह 1 डिग्री के फासले नाल इत्थे कुल मिला के किन्नी दिशांतर रेखा होणगी 180। इसी तरह जदों आप पश्चिम वल जावांगे 0 तो 1 2 3 कर दे तो अखीर च कि दिशांतर बनूगी 180। 180 दिशांतर एक एक डिग्री के फर्क नाल मुख मध्यान रेखा के पूर्व से पश्चिम दिशा विच वख वख खिंचे गए हैं। इस बाद हरेक दिशांतर रेखा विच 4 मिनट का फर्क हुंदा है। ये किवें बनता है हरेक दिशांतर विच फर्क 4 मिनट का? बेटा देखो आप 0 तो इधर किन्नियां दिशांतर रेखावां खिंचियां सी 180, इसी तरह ही इधर पश्चिम वाल भी 180 दिशांतर रेखावां खिंचियां सी, जो इन्हों जोड़ दे तो किन्ने बन जाती है 360।
और 360 क्योंकि साड़ी धरती पश्चिम तो पूर्व वाल घूमती है और एक दिन में इसमें 24 घंटे लगते हैं, तो फिर असी की किया 360 में 24 नाल भाग करता साढ़े को आगे 15 डिग्री, तो यदा मतलब क्यों है 1 घंटे में साड़ी धरती जो है 15 डिग्री का दूरी तय करती। हूँ आप 4 मिनट आना है, इस करके आप 1 घंटे कादे च बदलता मिनटा में, 1 घंटे 60 मिनट होंगे आप 60 मिनट लिखे और 60 मिनट 15 नाल आप भाग करता थे साड़ी को किन्ने आ गए 4 मिनट। यदा मतलब ये होया कि साड़ी धरती 1 डिग्री का जो दूरी तय करती है, या कोई व्यक्ति 0 तो 1 तक जाएगा तो उसमें किन्ना चाहिए 4 मिनट चाहिए। चलो आप नैक्सट आई, और इसमें आप टाइम जोन कहने हैं, या आप नैक्सट आई च मैं तुम दस दी कि बेटा ये है समा टाइम जोनस। ये किसने प्रस्ताव रखा सी सन 1878 कैनेडा दे सर सैनफोर्ड फ्लैमिंग ने दुनिया भर में मौजूदा 24 टाइम जोनस वर्तन का प्रस्ताव रखा सी। इस तरह सारे संसार का समा 360/24 15 डिग्री देशांतर फर्क है, जिहड़ा कि आपां हुणे ही सॉल्व करिया सीगा, ते इसनूं आपां एक वीडियो राहीं भी हुण समझांगे। ते बेटा आ देखो ये साड़ी धरती है और ये पश्चिम तो पूर्व वाल घूम रही है देखो, और ये है केड़ी रेखा ने जिहड़ी लंबियां इस तरह लटक रही ने, ये साड़ी की है दिशांतर रेखावां, और ये दिशांतर रेखावां दे विचालो जो 0 डिग्री ते आंदी है उसनूं आपां की कहिंदे आ ग्रीनविच रेखा, और ये ग्रीनविच रेखा दे पूर्वी हिस्से च जिन्निया भी हिस्सा है इसनूं आपां की कह सकते हैं पूर्वी गोलार्ध। इसी तरह जो आप पश्चिमी हिस्से की गल करें जिन्हें देश इस साइड आएंगे वो सारे पश्चिमी गोलार्ध आएंगे, इसी तरह ही पूर्वी हिस्से में जिन्निया देशांतर रेखावां बनती हैं इन्हां सारे नूं आपां की कहने हैं पूर्वी देशांतर रेखा, और पश्चिमी जिन्निया रेखा आएंगी पश्चिमी हिस्से च पश्चिमी देशांतर रेखा। और हुण ये है अपनी देशांतर रेखा से अक्षांश रेखावां, इन्हां दोनों नाल जो जाल बनता है उसनों आपां की कहने हैं ग्रिड, और ये ग्रिड जो है लोंगिट्यूड लैटीट्यूड यानी अक्षांश से देशांतर रेखावां नाल बनाया है, जिस नाल असी किसी भी जगह नूं सही सही तरह पता कर सकते हैं। तो इस विच बेटा हुण देखो आपां करदे हां ये साडा भारत है, इहदे विच देखो इस साइड सूरज है, और सूरज दी किरणां इस तरह पै रही ने इस टाइम, ठीक है। और साड़ी धरती जो है पश्चिम तो पूर्व वल घूमती है, ठीक है, पश्चिम तो पूर्व वल घूमती है ना, और इसका अर्थ यह होया कि अरुणाचल प्रदेश सब तो पहला इस दिया सूरज दिया किरणा पै रही है, और उस पिंड का नाम की सीगा डोंग पिंड, क्योंकि इतने हाइट है पहाड़ के कारण सब तो पहला पहाड़ी इलाके से जिहड़ा पिंड फसया उत्थे सूरज दी किरणा पै रही ने। ते उस तो बाद जदों ये थोड़ा जा होर घूमेगी तो फिर की होएगा होर ज्यादा चानन हो जाएगा, है ना, इसमें जो आप होर घुमाने हैं, और उस तो बाद थोड़ा जो होर घूम जाती है बिल्कुल सूरज दे थोड़ा होर पास आ जाती है तो फिर की होएगा, और बस इतने जो आ जाती है ना तो फिर की होगा देखो। हुण आप उस सवाल का पूरी तरह जवाब दे सकते हैं कि आ देखो साडा सूरज और आ साडा इत्थे भारत, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, और इधर सूरज दियाँ इस तरह पै रही ने किरणा, ठीक है, तुम दिख रही है ना। हुण देखो जदों आप इत्थे सीगे तां कल्ले अरुणाचल प्रदेश से ही सूरज दियाँ किरणा पै रही सी, जिस नूं आपां कहिंदे वी जदों हजे सूरज निकल ही रहा हुंदा अरुणाचल प्रदेश में तां गुजरात में की हुंदा हजे हनेरा हुंदा, पर हुण जदों धरती घूम के इत्थे सामने आ गई तो हुण की गुजरात से भी रोशनी पैन लग गई, इसका मतलब की हो गया कि हुण गुजरात में भी दिन हो गया। हुण आपां किस सवाल ते आउणा है, जरूरी गल अपनी केड़ी है, हुण तुसीं ये देखो कि आ
ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਬੇਟਾ? 97 ਡਿਗਰੀ 25 ਮਿੰਟ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 68 ਡਿਗਰੀ 7 ਮਿੰਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਟਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ? 29 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 18 ਮਿੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 29 ਡਿਗਰੀ 18 ਮਿੰਟ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਚ ਕਰੀਏ ਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਧ ਅੱਧ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 15 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਧ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ 15 ਡਿਗਰੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 29 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ? 30 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 360। ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? 15 ਡਿਗਰੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 15 ਡਿਗਰੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫਾਸਲਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 29 ਡਿਗਰੀ 18 ਮਿੰਟ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਉਂਡ ਫਿਗਰ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ 'ਚ 15 ਡਿਗਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਅਜੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 15 ਡਿਗਰੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ? ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 15 ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਹੋਰ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਵਿੱਚ? 2 ਘੰਟੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ? ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਔਰ ਆਹ ਸਾਡੀ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਮੈਥਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਡੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾ ਆਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਤੇ 90 ਡਿਗਰੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਧ ਕੀਤਾ ਤੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾਏ ਆ 23.5 ਡਿਗਰੀ, 66.5 ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਰੇਖਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ 8 ਡਿਗਰੀ 4 ਮਿੰਟ 28 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 37 ਡਿਗਰੀ 17 ਮਿੰਟ 53 ਸੈਕਿੰਡ ਉੱਤਰੀ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ 68 ਡਿਗਰੀ 7 ਮਿੰਟ 33 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 97 ਡਿਗਰੀ 24 ਮਿੰਟ 47 ਸੈਕਿੰਡ ਪੂਰਵੀ ਦਿਸ਼ਾਂਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਚੌੜਾ ਹੈ ਔਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3,214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਰਨ ਆਫ ਕੱਚ ਤੱਕ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ 2,933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਆਏ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਡੋਂਗ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗੁਹਾਰ ਮੋਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ 2,933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਹਾਰ ਮੋਤੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 2,933 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਕੈਪ ਕੈਮਰੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ 3,214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ
ਸਿਆਚਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਹੱਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ। ਔਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਰ ਕੈਮੋਰਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3,214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਕਾਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।